देखिए भारत एट नाइन काविंद चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। भारत आज तारीखों में है, मुसलमान त्योहारों में है, हुक्मरान मजे में है, जनता जवाब की तलाश में है, लेकिन अब बहुत हो गया। वैसे तो आज देश में हजारों खबरें हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम उनके नाम है कि जो जानवरों के लिए भगवान। अगर आपके बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो आप उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन सोचिए जब किसी जानवर को चोट लगती होगी तो उनका इलाज कौन करता होगा? उनमें भी तो जान होती है ना, उन्हें भी तो दर्द होता है ना, उनके भी तो घाव भरे जा सकते हैं, तमाम चीजें। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं वेटरनरी डॉक्टर्स की। ये वो तबका है जो डॉक्टर्स की प्रिविलेज इमेज के पीछे छिप जाता है। शिक्षकों की बात होती है, पुलिसकर्मियों की बात होती है, रेलवे कर्मचारियों की बात होती है, व्यापारियों की बात होती है, वकीलों की बात होती है, लेकिन कभी वेटरनरी डॉक्टर का नाम सुना है? नहीं सुना। मैंने गूगल पर काफी कोशिश की, असफल रहा, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम छपा या लिखा गया। लेकिन क्या बेजुआनों का इलाज करने वाले ये लोग भी बेजुआन? ऐसा इसलिए कि जब ये लोग कई महीनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं तो क्यों नहीं सियासत के मन में कोई हलचल पैदा होती? सवाल तो यह भी है जो सांसद जो नेता इन वेटनरी डॉक्टर्स को कुछ भी कहने से पहले एक पल नहीं सोचते, एक मोमेंट नहीं सोचते, और भला सोचे भी क्यों जब उन नेताओं को सरकार की ओर से जितना फोन बिल का पैसा मिलता है उतना ही पैसा इन वेटनरी डॉक्टर्स को भी दिया जाता है। वैसे एक चीज और है, डॉक्टरों की लग्जरी के पीछे कहीं ना कहीं इंटर्न मार खा रहे हैं। कहीं ना कहीं काम और दाम का जो फर्क है वो बड़ी वजह, क्योंकि काम तो लिया जाता है इंटर्न से और दाम दिया जाता है इनके ऊपर बैठे अधिकारियों को। दे आर गेटिंग पेड एंड दे आर गेटिंग नथिंग। अब कुछ आंकड़ों को दिखाता हूं, इन आंकड़ों को देखकर फिर विश्वास करना तो आपको मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देखिए। तो ये आंकड़े हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि क्या है। और मैं आपको बता दूं कि मिनिमम वेजेस इन इंडिया 178 रुपए पर डे थे 2021 में, और आज भी 178 रुपए हैं 2020 के बाद, पूरा एक साल होने को है। आपको बता दूं कि आज तक 1996 से लेकर 2021 तक, आज तक ये जो शुरुआत थी लोएस्ट रहा है 35 रुपए, 35 के बाद से आज तक 178 हाईएस्ट का, ये मिनिमम वेज है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, मिनिमम वेज को आपको इसलिए दिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सकें, आप उसको समझ सकें, आप रुक सकें, आप एक बार थमके सोचें कि ये मिनिमम वेज की बात हो रही है और एक वेटनरी डॉक्टर, एक पशुओं का डॉक्टर, एक बेजुआनों का डॉक्टर, उसका वेज क्या है? एक इंटर्न को क्या मिलता है? वो पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन काम करता है, उसको क्या मिलता है? उसकी दिहाड़ी है। मैंने इसलिए कहा है कि ये स्टाइपेंड वर्सेस मजदूरी है। व्हाई यू कॉल इट स्टाइपेंड? यू शुड शेमलेसली कॉल इट मजदूरी एंड गिव इट टू देम। सरकारों को थोड़ा समझना चाहिए कि आप डॉक्टर्स पर फूल बरसाते हैं, आप डॉक्टर्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप डॉक्टर्स को लेकर ट्वीट करते हैं, आप डॉक्टर्स डे पर बड़ी बड़ी कहानियां देते हैं, आप डॉक्टर्स डे पर शायरी लिखते हैं, क्योंकि वो इंसानों के डॉक्टर हैं। बेजुआनों के डॉक्टर तो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो दे आर पपेट्स, दे आर रोबोट्स। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर नॉट पपेट्स, दे आर नॉट रोबोट्स, वो भी डॉक्टर्स, वो भी बेजुबानों के डॉक्टर, वो भी काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, उसके बाद भी ये सब कुछ उनको देखना पड़ता है। एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर आपसे कहूंगा, ये क्लोज से देखिए, ये डेटा आप जब क्लोज से देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर कहूंगा कि पास से दिखाइए इन पेपर्स, इन पेपर्स को जब आप पास से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या है ये। तो
178 रुपए मिनिमम वेज है इस कंट्री का और वेटनरी डॉक्टर्स को क्या कुछ मिलता है, आप सोचिए। सोच के आश्चर्य होगा, आश्चर्यचकित रहेंगे आप, बहुत आश्चर्य होगा सोचकर आप। मिनिमम वेज महाराष्ट्र में बात करूं तो वो भी इतना कम नहीं नजर आता जितना स्टाइपेंड इनको मिलता है वेटनरी डॉक्टर्स को। ये कोई मुद्दा ही नहीं है देश में आज बात करने का, क्योंकि इस पर क्यों बात होगी, ना तो ट्रेंडिंग टॉपिक। बेचारे दिन रात लगे पड़े हैं, दिन रात बात कर रहे हैं कि कोई सुन लो, कोई सुन लो, कोई सुन लो, कोई नहीं सुनता। नो मिनिस्टर, नो पॉलिटिशियन, नो जर्नलिस्ट, नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन टू दम। बेचारे दिन रात लगे पड़े हैं ट्विटर पे, दिन रात कह रहे हैं कि हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं करता उनसे। वे जवानों के डॉक्टर हैं तो शायद इनकी भी जवान ना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन जब मैंने डाटा जुटाया, मैंने ट्विटर पर देखा कि ये लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, मैंने डाटा जुटाया तो डाटा देखकर मुझको भी हैरानी हुई। इनको इतना मिलता है जितना एक अनस्किल्ड लेबर को मिलता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्रॉपर एजुकेटेड वेटनरी डॉक्टर्स गेट स्लाइट मोर देन व्हाट अ लेबर, अनस्किल्ड लेबर गेट्स। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, अगर आप इसकी बात नहीं करते तो आप कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कई बार डॉक्टरों की तारीफ की, यहां तक कि उन पर फूल भी बरसाए गए, लेकिन ट्विटर पर देश भर के वेटनरी डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये ट्विटर वही पता है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद है, उनको टैग भी किया जा रहा है, लेकिन वो इस टैग पर शायद टॉक नहीं करना चाहते। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन डॉक्टरों ने जानवरों का इलाज करने से इंकार कर दिया तो देश भर के जानवरों का इलाज कैसे हो सकेगा। गौशालाओं में गायों की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं। अब देखना होगा कि गौशालाओं में जो गाय बीमारी से दम तोड़ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या ये तथाकथित गौरक्षक गायों का इलाज करेंगे, या पैट लवर्स, जो डॉग लवर्स, जो जिनका प्यार सिर्फ इंस्टाग्राम अपने पैट के साथ तस्वीरें खिंचाने में बीतता है, अगर उनके पैट का इलाज करना ये छोड़ दें तो क्या होगा। अगर स्ट्रीट डॉग्स का इलाज करना ये छोड़ दें तो क्या होगा। देश में जितना प्यार, जितना सम्मान इंसानों के डॉक्टरों को दिया जाता है, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान वेटनरी डॉक्टर्स भी डिजर्व करते हैं। इलाज करना अपने आप में ही एक बहुत पवित्र पेशा है, इस पेशे का सम्मान होना चाहिए और उन्हें उनके काम का उतना ही पैसा मिलना चाहिए जो अन्य इलाज करने वाले चिकित्सक को मिलता है, और स्टाइपेंड तो बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए जितने वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं, यंग वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके, वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर सके, वो और ऊर्जा के साथ हमारे देश के बेजुबानों का इलाज कर सके। अब एक पल को ठहर कर सोचिए, ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनको देखिए, कोरोना के दौर की ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, कोरोना के दौर की तस्वीरें। जल्दी ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आए ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखते रहिए और सोच, टीवी स्क्रीन की तरफ देखिए और मेरी आवाज को सुनिए और सोचिए कि ये उस भयानक दौर की तस्वीरें हैं जिसमें इंसानों ने जहन्नुम को धरती पर देखा, किसी ने अपने रिश्तेदार को खो दिया, किसी ने अपने मां बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया, किसी ने अपने प्यार, अपने मोहब्बत को खो दिया। सिर्फ एक ही खुदा, इस वक्त सिर्फ एक ही खुदा, एक ही भगवान। आपकी कोई भी पूजा पद्धति रही है, आप किसी भी धर्म के रहे हैं,
लेकिन कोरोना काल में लोगों को सिर्फ एक ही भगवान दिखा, वो है डॉक्टर। अब इससे बिल्कुल अलग हटकर सोचिए, टेक मी टू द स्क्रीन फर्स्ट। अब इससे बिल्कुल अलग हटकर सोचिए कि महामारी इंसानों में ना होकर अगर जानवरों पर काल बनकर टूटती, तो सोचिए ये बीमारी अगर जानवरों के बीच जन्म लेती, जानवरों के बीच पैदा होती, कितनी लाशें बेजवानों की उठाई जाती। और जानते हैं जनाजे जितने हल्के होते हैं धरती पर उतने ज्यादा बचनी होती है। तो ऐसे में अगर यही तस्वीरें बेजवानों के साथ होती तो सोचिए मंजर कितना भयावह होता। और ऐसे में सिर्फ वही लोग रक्षक बनकर आ सकते थे, और रक्षक जो प्रकृति की रक्षा में लगे हुए हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो इन बेजवानों के डॉक्टर हैं, उनके बारे में ना सोचा जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आई एम टेलिंग यू, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अब देखिए, वेटनरी इंटर्न को एक दिन के लिए 115 रुपए दिए जाते, 115 रुपीज, विच इज लेस देन 178, विच इज द मिनिमम वेज इन दिस कंट्री राइट नाउ। तो मिनिमम वेज 178 है, इनको दिए जा रहे हैं 150। तो देश में अर्ध कुशल मजदूर की दिहाड़ी भी 237 रुपए है मिनिमम, 237 रुपए मिनिमम। एक बार और सुनिए, 237 रुपए मिनिमम। और सुनकर आश्चर्य होगा कि यह इंटर्नशिप भत्ता बीते 10 सालों से वेटरनरी डॉक्टर्स का इंटर्नशिप भत्ता नहीं बढ़ाया गया। मतलब जब तेल के दाम भी 50-55 रुपए हुआ करते थे, उस वक्त से लेकर आज तक जब तेल के दामों में 100% इंक्रीमेंट हो चुका है, तब आज भी इनकी वैल्यू सेम बनी हुई। व्हाट अ शेम इज दिस। मतलब दर्शकों, ये नई पार्लियामेंट बना रही है सरकारों को ये नहीं दिखता कि एक नौजवान वेटनरी डॉक्टर कैसे अपना खर्च चला सकता है। मतलब रोज नए कानून बना रही सरकारों के कानों में कोई खनक नहीं होती। मतलब हिंदू मुसलमान में फर्क समझ रहे नेताओं को मोटी कमाई करने वाले डॉक्टर और राई बराबर स्टाइपेंड पा रहे डॉक्टरों में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये सब उन्हें समझ नहीं आता, और वो सब मुझे समझ नहीं आता। ऐसे में एक रिपोर्ट है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट से आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि वेटनरी डॉक्टर्स समय समय पर छोटे मोटे और आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन सरकार उन तक ध्यान नहीं देती। रिपोर्ट देखिए। राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में एक वर्ष की इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न डॉक्टर्स दिन भर सेवाएं देते हैं। इंटर्नशिप कर रहे इन वेटरनरी डॉक्टर्स ने कोविड के समय ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी अपनी सेवाएं दी। इन इंटर्न की परेशानी है कि काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना यानी इंटर्नशिप भत्ता, जिसे स्टाइपेंड कहा जाता है, सरकार की ओर से उन्हें 115 रुपए मात्र दिया जाता है, जो प्रदेश में अर्ध कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 237 रुपए से भी कम है। इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर वेटनरी इंटर्न डॉक्टर और विभिन्न छात्र संगठन राजस्थान में पिछले काफी सालों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। क्या सेवाएं देते हैं वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स? वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स अपने एक वर्ष की इंटर्नशिप समावधि में राज्य की विभिन्न पॉलीक्लिनिक, TVCC, जतु आलय, पोल्ट्री फार्म के साथ ही राज्य में स्थित विभिन्न केंद्रीय संस्थान जैसे NRCC, NREC में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। राज्य के पशुओं के स्वास्थ्य सुधार कर और मानव भोजन की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। कई वर्षों से नहीं संशोधित हुआ भत्ता। गौरतलब है कि वेटनरी डिग्री 5.5 साल की होती है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल है। इस दौरान वेटनरी डॉक्टर्स को अपनी सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला भत्ता 3500 रुपए लगभग 10 साल से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि मेडिकल इंटर्नशिप भत्ता वर्ष 2017 में 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया था, और अब सरकार ने 2020 में फिर इसे 7000 रुपए को बढ़ाकर 14000 रुपए करने का निर्णय लिया है। देश के अन्य राज्यों में वेटरनरी इंटर्नशिप भत्ता।
देश के अन्य राज्यों में इंटर्न डॉक्टर्स को राजस्थान की तुलना में काफी ज्यादा भत्ता कई वर्षों से दिया जा रहा है। जैसे केरल में 20,000 रुपए, कर्नाटक में 17,000 रुपए, उड़ीसा में 12,000, पश्चिम बंगाल में 9,000, तेलंगाना में 9,000, मध्य प्रदेश में 7,600 रुपए और गुजरात में 7,200 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि आज के अनुपात में काफी कम है। मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है ज्ञापन। बीकानेर वेटरनरी कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि धर्म कुमावत ने बताया कि प्रदेश के बीकानेर, उदयपुर और जयपुर के सरकारी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों ने मुख्यमंत्री को इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञापन भी भेजा था और आज इसी क्रम में वो डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, खुद सुनिए। देश के विभिन्न पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स को मिलने वाला इंटर्नशिप भत्ता बहुत कम है। इसके लिए सरकार से हम काफी समय से मांग कर रहे हैं कि इस इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाया जाए। हमने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और राज्य पशुपालन मंत्रियों को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वेटनरी इंटर्न डॉक्टर्स को राजस्थान जैसे प्रदेश में 3500 रुपए और अन्य राज्यों में 5,000 से 7,000 के बीच में इंटर्नशिप भत्ता मिलता है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं इस इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाकर मेडिकल के समकक्ष। तो दर्शकों, आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा अकेले में। तो बातें ये हैं कि ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से, हम लोगों की लड़ाई सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हो जाती कि जहां पर लगे कि हम हार रहे। एक बात हमेशा याद रखें कि छोटे लेवल से उठे आंदोलनों ने ही बड़े आंदोलन की शक्ल ली है और तख्त पलट गए, सरकारें पलट गई। क्या कभी ने सोचा था किसी ने कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के दरवाजों पर, दिल्ली के नुक्कड़ चौराहों पर कुछ किसान आए और आज उनको पूरा एक साल हो जाएगा कुछ समय और वो यही डटे हुए हैं और सरकारें परेशान है। हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, डिजिटल दौर में, डिजिटल दौर में डिजिटल आंदोलन की भी उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही कीमत है कि जितनी आज की तारीख में प्रैक्टिकल आंदोलन, फिजिकल आंदोलन। आप जब सड़कों पर उतरते हैं उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, जितनी आप ट्विटर पर कोई आंदोलन चलाते हैं उसकी भी उतनी वैल्यू है। ट्रस्ट मी, आज की डेट में ट्विटर से अगर ट्रेंड कराकर कोई चीज कही जाती है, कोई कैंपेनिंग की जाती है, तो उसका परिणाम यह निकलता है कि एक डीएम भी सस्पेंड हो जाता है, उसका परिणाम यह निकलता है कि सरकार की किरकिरी होती है, उसका परिणाम यह निकलता है कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो बिल्कुल भी वेटनरी डॉक्टर्स, आपकी और जो इंटर्न्स हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी मांगे बिल्कुल जायज है। देयर इज नॉट 1% डाउट इन इट, पूरी तरह से जायज है आपकी, 1% का डाउट नहीं है इसमें। और जब मांग जायज है तो अपनी बात के लिए लड़िए, पीछे मत हटिए। आज 6 है, कल 16 होंगे, परसों 26 होंगे, 36 होंगे, 46 होंगे, पीछे मत हटिए। एक बात को ध्यान से समझिए, अगर आप आज नहीं लड़ते तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस बात को कहेंगी कि काश आप लड़ लिए होते तो उनको कुछ फायदा मिलता, और शायद थोड़े समय के बाद आप भी ये सोचें कि काश उस वक्त लड़ लिए होते तो आज कुछ चीजें शायद ठीक हो सकती। मैंने अपने जर्नलिज्म में एक बात हमेशा कही कि मैं पॉलिटिकली इंस्पायर्ड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इन इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये जर्नलिज्म नहीं करता। जर्नलिज्म सोशल इश्यूज के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। जर्नलिज्म इसलिए नहीं है कि नेता आज क्या कर रहा है, जर्नलिज्म इसलिए नहीं है कि किसी हीरोइन का एक छोटा बच्चा आज कौन से कपड़े पहनकर मार्केट में है। जर्नलिज्म सोशल इश्यूज के लिए है,
सोशल इश्यूज मतलब हम मीडिया है, वी आर अ मीडियम, हमको किसी की आवाज को सत्ता के बैठे लोगों तक शीर्ष तक पहुंचाना हमारा काम। मेनका गांधी ने जब वेटनरी डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करी, सबसे आगे हम थे जिन्होंने उनकी आवाज को उठाया। वेटनरी डॉक्टर्स के साथ अब खड़े रहे और लगातार खड़े रहे। इसके बाद भी अंत तक हमने लड़ाई लड़ी, उनके प्यारों से हमारी बात हुई, हर चीज। उन्होंने हमारी कॉल उठाना बंद कर दिया, हमारा नाम सुनते ही हमारी कॉल कनेक्ट। हमारे साथियों ने कहा क्यों खतरा, क्यों लड़ाई मोल लेते हो, पॉलिटिकल खबर दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, फायदा है उसमें। उसके बाद दिल्ली से लेकर कानपुर तक जितने भी लैब्स थे सब पर हमने स्टिंग किया। मेरे जावाज रिपोर्टर वहां गए, उन्होंने वहां पर जाकर स्टिंग किया और स्टिंग करकर हमने सरकार को दिखाया कि देखिए किस तरीके से फेक कोरोना निगेटिव रिपोर्ट्स बांटी जा रही है। और आज देश में कई मुद्दे जिन पर मैं खबर बना सकता था और बहुत अच्छे ढंग से बनाता, एक हीरोइन शिल्पा शेट्टी, उनके हस्बैंड पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, बहुत अच्छी खबर बनाता, स्पेशल रिपोर्ट चलवाता, उससे क्या होता। आई वॉन्ट टू आस्क माई कलीग्स जो मेरे साथ अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं, ये उनके लिए है। आप मुझको मैसेजेस करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, उनसे मैं बात करना चाहूंगा दो मिनट के लिए। मैं चाहता वहां पर रिप्लाई दे सकता था लेकिन नहीं दिया, सोचा यही दूंगा। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, डोंट टीच मी माई जॉब। और वेटनरी डॉक्टर्स के लिए मैं एक बात कह दूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, मीडिया का एक भाई है जो उनके साथ खड़ा है, और मीडिया का एक भाई आपके साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक आप कहेंगे। मैं स्वयं आपके मैसेजेस लेता हूं, स्वयं आपसे बात करता हूं। आज बीकानेर के एक भाई धर्म कुमावत, उनसे मेरी व्हाट्सएप पर बात भी हुई, और जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, बात बताते हैं, यकीन करिए ये सच में इनके मन में पीड़ा है, सच में इन्हें दुख होता है कि ये लगातार काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और इनकी ईमानदारी का इन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा, और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो उसका मेहनताना मिलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, अगर आपकी बातों पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, अपनी बात रखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच वो करते हैं जो हार जाते हैं, संकोच वो करते हैं जो ऋण में हथियार डाल देते हैं। आप करते रहिए, सरकार को यकीन करिए, मैं अंदर की बात बताता हूं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही काम करते रहिए। उनका बजट बच रहा है, बजट बड़ी बड़ी चीजों में लग रहा है, बजट चुनावों में जा रहा है, बजट बड़े बड़े स्टैचूज, बड़े बड़े पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, बड़े बड़े संसद भवन, वहां लग रहा है, चुनाव से पहले वहां बजट लग रहा है। आपके लिए बजट कहां है, आप उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, आप काम करते रहिए। आप बेजवानों के डॉक्टर हैं, आपके लिए आपके जिनका आप इलाज करते हैं वो तो आवाज उठाने आएंगे नहीं। एक बात याद रखिए, जो आपका हक है वो आपका हक है, उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी पत्रकारिता, मेरी टीम के किसी सदस्य ने आज तक किसी पॉलिटिशियन से एक सुई नहीं ली, एक सुई। इसलिए हम खुलकर पत्रकारिता करते हैं, कोई नहीं रोकता हमको। सरकार का कैसे रोक सकता है कोई आदमी हमको, विपक्ष का कोई आदमी हमको कैसे रोक सकता है। रुकते वो है, डरते वो है जिनके मन में दाग होता है।
मेरी टीम के एक एक रिपोर्टर ने आज तक किसी से कोई एक सुई नहीं, हम इसलिए खुलकर बात कर। वेटनरी डॉक्टर्स का जो मुद्दा है वो इसलिए भी जायज है क्योंकि उनके सामने उनको दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकारों के कानों में जू नहीं रेंगती। कुछ कुछ राज्यों में तो वो स्टाइपेंड है, ऐसा स्टाइपेंड है जिसको देखकर आगे चलकर कोई वेटनरी डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा, और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के लिए चिंता का विषय ये ऐसे है कि अगर वेटनरी डॉक्टर्स बनना बंद हो गए, लोगों ने इस पेशे को चुनना बंद कर दिया, तो कैसे संभालोगे? वैसे भी जितनी गौशालाएं हैं उतने वेटनरी डॉक्टर्स नहीं मिल पाते आपको, आप रख नहीं पाते। गौशालाओं में गाय दम तोड़ रही है, चुनावी वादों में आपके गाय निखर कर सामने आ रही। आज ईद उल अदा का त्योहार था, इस त्योहार के मौके पर पेटा घसेटा लपेटा सब चिंता में, देश की जनता चिंता में, नेता चिंता में। अरे भाई, ये कुर्बानी। कभी भी ये नहीं सोचते कि जो इनकी देखभाल करते, अगर इनको चोट लग जाती है, जो इनका ख्याल करते, इन बेजुआन डॉक्टर, बेजुआन जानवरों के जो डॉक्टर हैं, उनका ख्याल कौन करेगा? ये बेजुआन डॉक्टर, बार बार बेजुआन डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बेजुआनों के डॉक्टर है ना, ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनना नहीं चाहता। ये आपस में ट्रेंड कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ नहीं लगाना चाहती कुछ भी, बिकॉज दे आर नॉट वोट बैंक्स, एंड इफ दे आर नॉट वोट बैंक्स, नो पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट्स टू यू नो बी विद देम। ऐसे कैसे चलेगा? उनकी भी इच्छाएं हैं, उनका भी मन है। ऐसे में एक बात छोड़कर जाता हूं आज कि वेटनरी डॉक्टर्स के साथ धोखा हो रहा है, उनका भी ख्याल करने की जरूरत है। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे भारत एट नाइन में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू।